तो चाचा जी ये बताइए कि ये जो रास्ता है पानी लगा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसी गांव का हूं, मोतीलाल यादव। हमारा गांव में घर नहीं है, हमारा वही सामने वाला मकान दिखाई दे रहा है। और ये 15 बरस पहले सत्येंद्र राय प्रधान थे हमारे गाँव के, तो इस रोड को नपवा करके और मिट्टी फेंकवाए थे। उनके कार्यकाल में थोड़ा सा मिट्टी फेंका गया, इसके बाद उन्हीं के सर्जन से प्रधान हुए थे ओम प्रकाश यादव। इस पर बिना काम कराए पैसा उतार लिए। इसके बाद उन्हीं के एक सफराती थे अक्षय राम, ग्राम प्रधान हुए, वो भी बिना काम कराए इस पर पैसा उतार लिए। इसके बाद आज तक इस रोड की स्थिति खराब है। कम से कम 100-150 आदमी इस रास्ते से आते जाते हैं। अब देख लीजिए, ये रोड बन रहा था तो बताया गया कि इसमें पुलिया डालने के लिए लोग रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ ये ब्लॉक के अधिकारी, यहाँ पे पुल पड़ने वाला था, ये खलंजा बन रहा था जी। ये अक्षय राम प्रधान थे जी। तो हमारे ब्लॉक के अधिकारी, बीडीओ साहब, एडीओ पंचायत, सेक्रेटरी, सारे लोग आए। हम लोगों ने प्रस्ताव डाला कि इस रोड को भी ऊंचा करवा करके 2 ठो में पुलिया डाल दिया जाए और इस रोड में भी 1 ठो पुलिया डाल दी जाए। तो बीडीओ साहब ने हमसे कहा कि ये यहाँ के दबंग लोग फेंकने नहीं देंगे, ना पुलिया डालने देंगे। हमारे सामने मनोज राय हैं, उन्हीं का ये चक इधर भी है और उधर भी है, और ये भी चक उन्हीं का है। वो बेचारे आ करके, हमने उनसे कहा कि भैया ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, कहना कि आइए, 2 शब्द वहाँ से चल कर आए और यहाँ कहे कि इसमें 3 ठो पुलिया डलवा दीजिए और इसमें शासन का यदि पैसा है तो इसमें भी पुलिया डलवा दीजिए, क्योंकि इधर भी हमारा ही खेत है और इधर भी हमारा ही खेत है। उनको कोई इतराज़ नहीं था। इस पर कहे कि इसको और थोड़ा सा ऊँचा बनवा देंगे और पुलिया बनवा देंगे ताकि गाँव के लोग आ जा सकेंगे। ये पानी आ रहा था बरसात का, देखिए सड़क टूट गया है, दिखाइए इसको कैमरे ऑन करके। ओम प्रकाश यादव, इस रोड से आगे जा करके रोड मिलता है उसका खड़ंजे का भी पैसा उतार लिए हैं और नहीं बनवाए। कैसे आपको पता है कि उन्होंने खड़ंजे का पैसा? हम लोग बीडीओ साहब से जा करके उसको जांच किया था, ऑनलाइन वो जो निकाला जाता है उसको भी निकलवाया गया था। कुछ ईंट भी वहाँ गिरवाए थे, जब अक्षय राम प्रधान ही उनकी जा रही थी, अक्षय राम प्रधान होने वाले थे, तो वहाँ ईंट भी गिराया गया था कि आगे भी खड़ंजा ये बन जाएगा वो गांव में से। लेकिन वो जब प्रधान अक्षय राम जीत गए तो वो ईंटा उठा करके अपना भवन बनवा लीजिए। ओम प्रकाश यादव, बीडीओ साहब भी दबंग लोगों से डर, हाँ बीडीओ साहब भी दबंग लोगों से डर और आपसे साफ साफ बोले, साफ साफ बोले थे। कैसे कैसे लोग अधिकारी हैं? एक बात बताइए चाचा जी, कटैला तार क्यों मारा गया? ये कटैला तार मारा गया है कि ये पशु, इसमें मटर की खेती की जाती है, तो ये पशु जैसे लवारिस पशु हैं, बाछी हैं, गाय हैं, सांड हैं, ये लोग अपना छुट्टा छोड़ देते हैं सब लोग। हम ही लोग क्या करेंगे दूह करके? पहले था तो 5,000, 500, 1,000 मिल जाता था, अब कोई खरीद नहीं रहा है, तो उसी अपनी फसल की रक्षा करने के लिए कटैला तार लगाया गया। चलिए, हमारे भी युवा पीढ़ी के लोग जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। भैया जी, आप अपने गाँव के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूँ हंस रहे हैं, अच्छा विकास हुआ है क्या? अरे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं। बताइए, मेरा नाम मोनू राय है, यही इसी गांव के ग्राम सभा गौरा के रहने वाला हूं। भैया आप बताइए कि आपके गांव में कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है और क्या क्या परेशानियां हैं? विकास के नाम पे तो छल किए हैं बस जी। हाँ, 1-1 करोड़ रुपया हर प्रधान कमाया है भैया, 1-1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। और देख लीजिए, यहाँ पे नाला जो बना है आप देख रहे हैं ना, नाला आप खुद पानी में हेर कर आए हैं वहाँ पे, उसका आधा काम किए हैं, आधा ना नीचे उसका प्लस्तरा किए हैं, ना ढलैया किए हैं, गिट्टी सिट्टी यहीं पर उतार कर ले जाकर अपना घर बनवाए हैं इधर। उस पर हम रेवतीपुर विकास का उसमें एप्लीकेशन भी दिए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जांच के लिए कई बार हम लोग कोशिश भी किए, लेकिन जो अधिकारी हैं बड़े वो सुनने को लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि पैसा दे दे रहे हैं, इतना पैसा ये कमा रहे हैं प्रधान यहाँ के। अच्छा, गांव के अभी तक कोई अधिकारी आए हैं कि नहीं इस गांव में जांच के लिए? नहीं नहीं, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। बात बताइए, आस्था के कई बार एप्लीकेशन दिए चाचा जी हैं, कई बार दिए हैं एप्लीकेशन, लेकिन कुछ भी नहीं किए। भैया जी, आपके गांव में जानकारी मिली है कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जैसे देखा जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पोखरे जी, हैं, जी, उसमें जी, मिले है कि पूरा गांव का नाला जाता है उसमें पोखरे में पानी, उस पर एप्लीकेशन भी दिए थे, एक मीडिया कर्मी को हम बुलाए थे, लेकिन उस पर वो लोग फंसने वाले थे, लेकिन वो पैसे देकर वो निकल गए, पैसे देकर बच गए वो लोग। कैसे, मतलब कहने का आपका मतलब क्या है? मीडिया कर्मी जो आए थे
उनको पैसे देकर वो लोग चुप खरीद लिए। अच्छा मीडिया को हाँ, भी खरीद हाँ, मीडिया को ही खरीद लिए। चैनल का नाम उनका पता है? चैनल सैदाबाद के थे वो राय साहब। अच्छा मीडिया हाँ, को ही यहाँ खरीद लिया जाता है। आपको क्या लगता है कि इनका इन लोगों का बचाने का एक ही शख्स है जो बचाते हैं, वो है सत्येंद्र प्रधान। भैया एक बात बताइए, वैसे हम लोगों को भी नहीं खरीद सकते हैं वो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात सही। एक बात और भैया देख लीजिए, आप अगर रिकवरी करवा दीजिए प्रधानों का, जो ग्राम विकास ग्राम सेवक है वो 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप वो फंस जाएंगे। इतनी संपत्तियां बना चुके, कहाँ से बना लिए आप? इतनी सम की सैलरी लमसम क्या होती है? 6 से 7 हज़ार तक, 35-10 हज़ार हुआ है। अच्छा, आज से यानी अधिक उनकी अधिक संपत्ति हो चुकी हाँ। प्रधान है कि 10-20 हज़ार रुपया देंगे तो आपको कॉलोनी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो विपरीत पार्टी देगा उसको कॉलोनी मतलब आवास आवास हाँ आवास मिलेगा उसी आदमी को कि जो 10-20 हज़ार देंगे। आवास लेवे खातिर पैसा देवे के पड़ेगा, गौरा गांव में पैसा देना पड़ता है। पैसा दीजिए इसके बाद आवाज, चाहे कोई भी कार्य होगा ना तो बिना घुस का नहीं होता है। अच्छा, कोई भी कार्य होगा देंगे, आगे वाला 25 हज़ार देगा तो उसका हाँ उसका हो जाएगा।